आज की छोड़ो मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। सुमित ने 60 प्रश्नों वाले गणित की एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, इस क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हम लोग मान लें 60 प्रश्न, तो जो भी अपने आप में क्या 100% है, अपने आप में 100% है। अब ये कर क्या रहा है, जो भी पूर्णांक रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। अगर इसमें से 75% ला रहा है, इसमें से कितना प्राप्त किया, 75% प्राप्त किया। तो करना क्या, आपको इसका क्या करिए, डायरेक्ट इसका क्या करिए, आप 25% निकाले, आपको ये पता चल जाएगा कि कितना उसने गलत प्रश्न किया। इसमें करना क्या, 60 का क्या करना, आपको डायरेक्ट कितना निकाले, 25% निकाल लीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसने कितना क्वेश्चन गलत किया। इसको यहां से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 25 चौक 100 हो गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 5 4 1 4 हो जाएगा, और तो इधर के 4 5 20। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि उसने कितना क्वेश्चन गलत किया, 15 क्वेश्चन गलत किया, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें करना क्या, एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं। ठीक है, जो 60 प्रश्न, इसका करना है कि अगर 75% अंक प्राप्त किया, तो करना है कि 60 का क्या करिए, डायरेक्ट 25% निकालिए, आपको ये पता चल जाएगा कि उसने कितने क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 3:4 है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या है, इसमें आपसे ये पूछे, यानी पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले क्या दिया, चालों का अनुपात दिया, तो आप यहां से लिख लीजिए, चालों का अनुपात कितना दिया गया है, 3:4 दिया गया, तो आप यहां से लिख लीजिए 3:4। क्वेश्चन में ये कहा गया कि दूसरी रेलगाड़ी जो 3 घंटे में कितना दूरी तय करे, 300 किलोमीटर दूरी तय करे, तो आप यहां से चाल निकाल सकते हैं कि उसकी चाल प्रति किलो, ये कह सकते हैं किलोमीटर प्रति आवर्स कितना है, तो इससे क्या करें, आप इसमें भाग देंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना है, 100 किलोमीटर प्रति आवर्स। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना आ गई, 100 किलोमीटर प्रति आवर्स। अगर 3 घंटे में इतना दूरी तय करेगी, तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, 100 किलोमीटर दूरी तय करेगी सेकेंड रेलगाड़ी। ठीक है, ये सेकेंड रेलगाड़ी की चाल आपको पता चल, लेकिन रेशियो इसका मान कितना दिया गया, सेकेंड रेलगाड़ी की चाल दिया गया, इससे क्या करना, आपको इसमें भाग दीजिए। ठीक है, रेशियो में इसका मान कितना दिया गया, 4 दिया गया, इससे क्या करिए, आप इसमें भाग दीजिए, तो भाग कितनी बार जाएगी, 25 बार जाएगी। जितनी बार भाग जाएगी, अगर आपको पूछा कि आपसे पहली रेलगाड़ी की चाल पूछा है ना, तो जितनी बार भाग जाएगी पहले वाले मिला के आप गुणा करें, आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका गुणा इसमें कर ले कितना, 25 × 75 हो जाएगा। आपको ये पता चल गया कि पहली रेलगाड़ी की चाल कितना है, 75 किलोमीटर प्रति आवर्स, तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। जब एक प्राकृतिक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाए तो 4 शेष बचता है, जब 2n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, इस क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब आपको समझा देना, फिर आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर माइंड में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें यही कहा गया कि संख्या n को कितने से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए, n को कितने से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए, तो शेष कितना बच रहा है, यहाँ से 4 आपका शेष बच रहा है, यही तो क्वेश्चन कहा गया है। फिर अगले लाइन से क्या कहा गया, जब 2n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, इस क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा। इसमें यही कहा गया कि अगर 2n को कितने से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए, यहाँ पे शेष कितना बचेगा, इस क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया। ठीक है, तो कैसे आप इसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करिए। अगर ये संख्या को क्या कर रहा है, दोगुना करने के लिए कह रहा है ना, ये संख्या क्या कर रहा है, दोगुना करने के लिए कह रहा है, तो करना क्या, आपको जो पहले वाले में शेष बच रहा है इसका क्या करें, आप दोगुना कर लीजिए, उस संख्या का दोगुना करने की वजह क्या करिए, आप शेष का ही दोगुना कर लीजिए। अगर आप शेष का दोगुना कर लेंगे कितना मिल जाए आपको, 8 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 8 आपको मिलेगा। अब इसमें क्या करना, आपको 5 से भाग देना, इसमें क्या करना, आपको 5 से भाग देना, अगर 5 से भाग दे, 5 × 5 हो गया, और बचा कितना, 3, कितना शेष बच जाएगा, 3 आपका शेष बच जाएगा, ये इसका क्या गया, आंसर आ गया, तो भी ऑप्शन की इसका मैच करना। ठीक है, इसमें करना क्या, एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं। ठीक है, उस संख्या का दोगुना करने की वजह क्या करना, आपको मैंने क्या बताया, आपको शेष का ही क्या करिए, आप दोगुना कर लीजिए, 4 का दोगुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 में क्या करना, आपको 5 से भाग दे दीजिए, तो आपको कितना शेष बचेगा, 3 आपका शेष बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए,
क्वेश्चन फोर देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक पर्स में 455 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्के इतने के अनुपात में हैं। तो पर्स में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, इस क्वेश्चन ने आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया, कितने कितने के सिक्के, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के। आप यहां से लिख लिए कि 1 रुपया, 2 रुपया और ये कितना, 5 रुपये। अब सिक्कों का अनुपात आपको दे दिया कितना, इतना दिया गया। आप यहां से लिख लीजिए कि सिक्कों का अनुपात, आप पूरा लिख लीजिए, सिक्कों का अनुपात कितना दिया गया, अनुपात 2:4, कितना दिया गया, 5 दिया गया। ठीक है, अब करना है कि इसके बाद आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर 1-1 रुपए कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के, ये कुल धन दिया है ना, ये कुल धन आपको दिया है। अब यहां पे चेक करिए कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए। अगर आप इसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना रुपया देगा आपको, 2 रुपये आपको देगा। कितना रुपया दे देगा आपको, 2 रुपये आपको देगा। अब देखिए, 2-2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के। अगर आप सभी को रुपए में कन्वर्ट करें, कितना हो जाए, 2 चौको 8 हो जाए, कितना रुपया मिलेगा आपको, 8 रुपये आपको मिलेगा। यहां से देखिए, 5 रुपए कितने सिक्के, 5। अगर आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 25 हो जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा, 25 रुपये हो जाएगा। लेकिन कुल धन हमको दिया है, पर्स में कुल कितना है, यहाँ से 445 रुपये कुल धन कितना है, आप यहां से लिखिए कुल धन कितना है, 455 रुपये। अगर रेशियो में देखा है तो कुल धन यहां से कितना मिल जा रहा है, आप इन सभी को जोड़ लीजिए। अगर आप इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा आपको, 35 आपको मिलेगा। अब करना है कि 35 से क्या करें, आप इसमें भाग दिए, अगर 35 से भाग दें, 35 से कम 35 हो गया और 10 इधर गया, कितनी बार कर जाएगा, 3 बार में कर जाएगा, यानी 13 बार में क्या हो जाएगा, पूरा पूरा इससे कर जाएगा। ऐसा करने के बाद और पूछा कि ये प्रश्न में क्या पूछा गया, पर्स में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो जितनी बार भाग गई है 2 रुपए के सिक्कों वाले मिला के गुणा कर दिया, आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात यही है, तो इसका गुणा क्या करना, आपको इसमें गुणा कर लेगी। अगर आप इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो 13 चौको कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, अर्थात आप बता सकते कि 2 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं, 52 सिक्के। तो बी ऑप्शन की इसका मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें करना क्या, एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज लिख लेना, यहाँ पे मैंने लिख लिया। इसके बाद करना कि सिक्कों का अनुपात दिया है तो आप यहां से लिख लिए, और कुल धन दिया हमको कितना है, 455 रुपए, मैंने यहाँ पे कुल धन लिख लिया। अगर ये कुल धन है तो हम लोग क्या करें, जो सिक्के में ये रेशो में देखने दिए, इससे हम लोग क्या करें, रुपए में कन्वर्ट कर लें। अगर 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो रुपए में कन्वर्ट करें कितना हो जाएगा, 2 रुपए मिलने मिलेगा। अगर 2 रुपए कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के, तो रुपए में कन्वर्ट करें कितना मिल जाएगा, 8 रुपए मिलने मिलेगा। 5 रुपए कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के, तो 5वां कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब करना है कि कुल धन रेशो में जुड़े कितना मिल जाएगा, 35 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 35 मिलेगा। इससे क्या करना है, आपको इसमें भाग दे दीजिए, और जितनी बार भाग जाएगी, और किसके सिक्कों की संख्या पूछा है, 2 रुपए के ना, तो जितनी बार भाग जाएगी 2 रुपए वाले मिला के आप गुणा करिए, आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक महिला ने 100 रुपए 10% वार्षिक ब्याज दर पर जमा की, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर अवधि के अंत में महिला को 121 रुपए प्राप्त हुए, तो उसने बैंक में कितने समय तक धनराशि रखी थी, इसमें यह पूछा है। इसमें यही पूछा गया कि 100 रुपए जो महिला जमा करे, ये बैंक में कितने समय के लिए जमा करे, इसमें यही पूछा गया। ठीक है, जबकि हमको ये पता है कि वो क्या करे, अवधि के अंत में कितना रुपया मिला, इसे इतना रुपया मिल रहा है। ये क्या आपका मिश्रधन है और ये मूलधन है, तो आप यहाँ से ब्याज पता कर सकते हैं, इन दोनों को घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ब्याज 21 रुपए मिलेगा। तो आप यहाँ से लिख लिए कि मूलधन कितना दिया आपको, मूलधन कितना है, 100 रुपए है, और यहाँ से मिश्रधन कितना है, 121 रुपए। मिश्रधन कितना है, 121 रुपए। अगर इसको यहाँ से मैं घटा लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ब्याज मिलेगा। तो आप यहाँ से लिख लिए कितना हो जाएगी, 21 रुपए। 21 रुपए आपका ये क्या आ गया, ब्याज आ गया, CI आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज आपका आ गया। और दर भी आपको पता है, दर आपको पता कितनी, 10% वार्षिक है। तो प्रश्न में पूछा कि आपसे समय पूछा, आपसे क्या पूछा गया, टाइम आपसे पूछा गया। ठीक है, तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मान लें समय कितना, हम लोग 1 वर्ष ऐसे मान लें अंदाजा। ठीक है, 1 वर्ष हो गया और 2 वर्ष हो गया। ठीक है, अगर हम लोग मान लें मूलधन ये है और दर भी हमको पता है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात है, तो हम क्या करें, यहाँ से ब्याज की गणना करें, देखा जाए कितने वर्षों में 21 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक है, जैसे 1 वर्षों में मिलेगी, 2 वर्षों में मिलेगी, 3 रुपए 3 वर्षों में मिलेगा, इस तरह से आपको क्या करना, ब्याज पता करना है कि 21 रुपया कितने वर्षों में ब्याज आपको मिलेगा, जबकि मूलधन पता है और दर पता है। तो कैसे निकालेंगे, आपको तरीका होता है, पूरे धन पे क्या करना, आपको 10% ब्याज निकाले। अगर आप इसका 10% निकालेंगे 100 रुपए का, तो कितना रुपया ब्याज बनेगा, 10 रुपया आपका ब्याज बनेगा, और मुझे चाहिए कि 21 रुपए ब्याज चाहिए। ठीक है,
अगले साल जैसे आप अगर एंट्री करेंगे नहीं करेंगे, एक साल का ब्याज आपका बन गया 10 रुपया, लेकिन जैसे आप अगले साल एंट्री करेंगे तो फिर आपको कितना ब्याज बनेगा, 10% आपका ब्याज बनेगा। लेकिन आपको यह पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज आपका बनता है। जैसे दूसरे साल में एंट्री करेंगे ये ब्याज तो बनेगा ही, लेकिन जो पिछले वर्ष का ब्याज है इस पर ब्याज आपका बनेगा, और दर आपकी कितनी है 10%। अगर आप 10 रुपए का 10% निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 रुपए मिलेगा। क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद 21 रुपए मिल जाएगा क्या, मैं देखा मुझे मिल जाएगा, ठीक है, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे एक वर्ष हो गया, दो वर्ष हो गया, तीन वर्ष, यानी तीसरा वर्ष लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, तो 2 वर्ष में आपका आ गया। इन दोनों को जोड़े कितना आ जाएगा, 21 रुपए आपको ब्याज मिल गया, 21 रुपए आपको सीआई मिल गया, ठीक है। अर्थात आप बता सकते कि समय कितना है, ये 2 वर्ष, कितना वर्ष है ये 2 वर्ष। उसने जो बैंक में अपनी जो पैसे थे वो कितने समय के लिए जमा की थी, 2 वर्ष के लिए जमा की थी, ये इसका क्या आ गया आंसर है, ठीक है। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का है, उस चैप्टर को मैंने आपको पढ़ा दिया है, उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सी देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, माँ ने अपने बच्चों अरविंद, विन्नू और चित्रा को अनुपात 2:3, 4 के अनुपात में कुछ धनराशि बांटी। यदि विन्नू को 51 रुपया प्राप्त हुआ तो चित्रा और अरविंद को द्वारा प्राप्त धनराशि क्रम से कितनी थी, इसको सुनिए पूछे। इसमें आपसे क्या पूछा गया, चित्रा और अरविंद को कितना धनराशि मिली, इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया, ठीक है। तो कैसे आप इसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। और ये जो पैसे बटेंगे इनका अनुपात आपको दिए, जो पैसे बटेंगे क्या होंगे, इन्हीं अनुपात में बटेंगे, आप यहाँ से लिख लिए। अरविंद को क्या करें, ए से इंडिकेट कर दे रहे हैं, और जो बिंदु को क्या, बी से इंडिकेट कर दे रहे हैं, और चित्रा को किससे इंडिकेट दिए, सी एस से इंडिकेट कर दे रहे हैं। क्या अनुपात दिया गया, आप यहाँ से लिख लिए, ठीक है। पैसे जो बटेंगे अनुपात आपको दिया है, 2:3, 4 दिया गया। लेकिन क्वेश्चन में एक जानकारी और है कि बिन्नू को कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ से 51 रुपये प्राप्त हो रहा है। बिन्नू को कितना रुपया मिले, यहाँ से 51 रुपये मिल रहा है, 51 रुपये आपको मिल रहा है। लेकिन रेशियो में इसका मान कितना बिन्नू का, 3 है। तो करना क्या आपको, इससे क्या करें, आप इसमें भाग दिए, इससे क्या करना आपको, भाग देना है। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 × 1 = 3 होंगे, और 3 × 7 = 21 होगी, 17 बार भाग जाएगी। इसके बाद करना क्या पूछा कि चित्रा और अरविंद को कितना धनराशि प्राप्त की थी, इसमें ये पूछा गया। तो जितनी बार भाग गए अरविंद वाले मिला के गुणा कर दिए और चित्रा वाले मिला के गुणा कर दिए, इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 17 × 34 रुपये मिल जाएगा, और इसका गुणा इसमें कर 17 जो कितना जाएगा 68 रुपये हो जाएगा। ये आपको क्या गया आंसर आ गया। आप बता सकते कि अरविंद को 34 रुपये मिला और चित्रा कितना मिल गया, 68 रुपये मिला। तो देखिये कौन सा उसका मैच कर रहा है, सबसे पहले देखिए जिक्र किसका किया, चित्रा किया है, तो चित्रा का पहले चित्रा का दिया होगा, फिर किसका दिया, अरविंद का दिया होगा। तो 68 रुपये देखिए किसमें दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, और अरविंद कितना दिख रहा है, 34 रुपये दिख रहा है। तो सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 कोटि पूरा कोण का अनुपात 4:5 है, तो पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले दोनों कोणों का अनुपात दिया कितना, ये 4:5 दिया, और आपको ये पता है कि कोटि पूरा कोण का मतलब क्या होता है, दो कोण ऐसे जिनका योगफल कितना हो, 90 डिग्री के बराबर, उस कोटि पूरा कोण कहलाता है, ठीक है। दो कोण ऐसे जिनका योगफल कितना हो, 90 डिग्री 90 अंश के बराबर, कोटि पूरा कोण कहलाते हैं। आप यहां से लिए कि दोनों कोणों का योग कितना हो गया, 90 अंश हो गया। रेशियो में अगर दोनों कोणों को जोड़ेंगे कितने मिल जाएगा आपको, 9 आपको मिलेगा। रेशियो में दोनों कोणों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 9 मिलेगा। लेकिन इस तरह से हमको पता है कि दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90 होता है। इस योग में क्या करना आपको, भाग देना, भाग कितनी बार जाएगी, 10 बार जाएगी। जितनी बार भाग जाएगी, और पूछा क्या है, पहले कोण के वर्ग का और दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात पूछा है। तो जितनी बार भाग गए, अगर इसका अलग इसमें गुणा करें तो पहला कोण पता चल जाएगा, इसका अलग इसमें गुणा करें दूसरा कोण आपको पता चलेगा। दोनों गुणा करते हैं, यहाँ से 40 हो गया और कितना हो गया, 50 हो गया। दोनों कोण पता चलिए, तो पूछा क्या, इनके वर्ग का अनुपात पूछा है, इसका भी वर्ग कर लीजिए, अब इनके बीच में रेशियो लगा दीजिए। अगर आप इसका स्क्वायर करें कितना मिल जाएगा, 1600 मिलेगा। इसका स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, 2500 मिलेगा। अब ये 00 से ये 00 कट गया, तो यहाँ से कितना बचा है आपका, 16:5 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अर्थात आप बता सकते कि दोनों कोणों के वर्गों का अनुपात कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 16:25 होगा। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर पर एक धनराशि का निवेश किया। सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर, यानी ये जो दर है इसी दर पर,
उसी दर पर समान राशि का निवेश किया। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज पर रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ब्याजों का अनुपात पता करने के लिए मैं आपको सबसे फास्ट बता रहा हूं। ठीक है, आप यहां से ब्याजों का अनुपात, ब्याजों का अनुपात, ठीक है, इसमें हमको क्या पता है, दर भी समान है और मूलधन भी समान है। ठीक है, दर भी समान है और मूलधन भी समान है। तो करना क्या, आपको डायरेक्ट समय वाला ले लीजिए। ठीक है, चार वर्ष और छह वर्ष के लिए कर लो, तो चार कर लीजिए और यहाँ पे छह भी। अब इन दोनों के बीच में रेशो लगा दिए, तो रेशो क्या खास है, तो अपने आप पे न्यूनतम फॉर्म लगता है। ये कट के छोटा जाएगा, यहाँ से दो दोनों चार हो गए और दो तीन छह, अर्थात आप बता सकते कि दोनों के ब्याजों का अनुपात कितना मिल जाएगा, दो अनुपात तीन मिलेगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, इसमें करना क्या, आपको इन दोनों के बीच में अनुपात लगा लिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नाइन देखा जाए, और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो को लेंथ बहुत ज्यादा होगी। इसमें देखिए क्या कहा गया, एक विक्रेता 9 रुपए प्रति केजी की दर से आम बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है, तो 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए प्रति किलो की दर से आम बेचना चाहिए, इस क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो जो भी आम खरीद के लाया रहा होगा उसका क्रय मूल्य अपने आप क्या होगा, 100% रहा होगा। जब आम को इतने रुपए में बेच रहा है तो इससे क्या हो जा रही, 10% की हानि हो जा रही, तो इसमें से दाम कितने के ले रही है, अगर इसमें 10% की हानि पर बेच रहा है तो इसमें से दाम कितने के लिए, 90% का दाम ले रहा है, और रुपए में कितना ले रही है, इतना रुपया ले रहा है। तो कैसे थे ये 90% है क्या, इसमें 90 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर, तो हमको ये पता चल जाएगा उसने आम कितने रुपए प्रति केजी के हिसाब से खरीद कर लाया था। तो क्या करना आपको, 9 में क्या करना आपको, 90 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करें, आपको ये पता चल गया कि आम का क्रय मूल्य कितना, इतना है। अब पूछा कि 5% लाभ चाह रहा है ना, तो डायरेक्ट इसका क्या करें, आप 105% आप निकालिए, इसका क्या करना आपको, डायरेक्ट 105% आप निकालिए, बटा कितना आ जाएगा 100, 100 से 100 कट गया, इसको यहां से काट दो कितने में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। अब देखिए नीचे 10 है, ऊपर कितने पे दशमलव लग जाएगा, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, नीचे 10 तो ऊपर कितने पे दशमलव लग जाएगा, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अर्थात आप बता सकते कि वो आम कितने रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचे, 10.5 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचेगा, उससे क्या हो जाएगा, 5% का लाभ हो जाएगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या करना आपको, इसमें कितने से भाग देना है, 90 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लिए, तो आपको पता चल गया आम का क्रय मूल्य पता चल गया। अब वो चाह क्या रहा है, 5% का लाभ चाह रहा, इसका क्या करे, डायरेक्ट 5% निकाल लीजिए और इसका कैलकुलेशन के द्वारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।